गुड इवनिंग नीलम, रिंकू एंड उपेंद्र कौर। गुड इवनिंग सबको। सुनील, नमिता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रुचिका, रुचिका धीमान। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग नीलम ठाकुर, सबको गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने जाना था देखना जो आपका सिलेबस है उसके बारे में, और साथ ही साथ हमने जो आपके क्वेश्चन पेपर थे पुराने उनको देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको, जो आपका पहला यूनिट है वहां से। इसमें जो भी आपकी चीजें रहेंगी उनको थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम। गुड इवनिंग शालू। देखिए, पहला यूनिट था हमारा भाषा से रिलेटेड। पहले आपको समझना है कि आप भाषा में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। तो इसमें जो भी बातें रहेंगी, भाषा, अर्थ, परिभाषा, इसके साथ साथ भाषा की उत्पत्ति और विकास एंड उत्पत्ति के सिद्धांत इत्यादि इत्यादि, भाषा के तत्व कौन कौन से रहते हैं, भाषा के चरण कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों आज पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि आप भाषा का सामान्य सा परिचय जो है ये जानने की कोशिश आज की क्लास में करेंगे, और बिल्कुल शुरुआती टॉपिक हमारा। दूसरी जो चीजें रहेंगी भाषा वाले टॉपिक में, वो आपको मैंने पहले भी बता दी थी, इसी में ही आपका हिंदी भाषा भी रहेगा, और थोड़ा बहुत आप जो है हिंदी भाषा के विकास के बारे में भी जानेंगे। हिंदी भाषा के विकास से पहले आप हैं उनको भी देखेंगे कि विश्व की भाषाएं कौन कौन सी थी और कैसे कैसे जो है उनका उद्भव और विकास हुआ है, ठीक है, और कैसे जो है हिंदी बनी, इन सब बातों को आप देखेंगे। फिर जो भाषा परिवार हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं, संवैधानिक स्थिति पढ़ते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ते हैं आप भाषा की, ये वो आपको ध्यान में रखनी है। गुड इवनिंग सबको, शालू एंड रंजना, जल्दी से आप क्लास में आ जाइए जितने भी लोग हैं, ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो आपको सबको मालूम है कि हमने क्या क्या, और अगर किसी को भी कोई वॉइस वगैरह का इशू हो, तो अगर सब का मतलब ये है कि मेरे एंड में दिक्कत होगी, अगर किसी एक व्यक्ति को या कुछ एक दो लोगों को बीच में आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपके पास ही नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी। किसी को भी कुछ चीज कहनी हो तो आप हैंड रेज कर लेना, बाकी चलते रहेंगे ऐसे ही, नहीं तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का भाषा, अर्थ और परिभाषा, है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो यूं कहें कि भाषा का सामान्य सा परिचय। तो सामान्य परिचय में देखिए, यहां पर हम पहले पहल क्या जानेंगे, जहां से आपको प्रश्न पूछे गए थे उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर भाषा का अर्थ, देखिए ये आपको बताने की जरूरत वैसे नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा से क्या अभिप्राय है। यानी कि सिंपल सी बात है, देखिए भाषा शब्द जो है वो कहां से निकला है, संस्कृत के धातु से बना है। धातु में आपका जो है जब प्रत्यय लग जाता है तो आप यहां पर आपको सिंपली याद रख लेना है कि यहां पर सिंपली क्या है, संस्कृत का जो भाष धातु से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ क्या रहता है, व्यक्त वाणी, उच्चरित करते हैं, बोलते हैं, वही अपने आप में क्या है, भाषा है। भाषा को विचार विनिमय का माध्यम माना जाता है। यानी कि अपने विचारों को, अपने ख्यालात को जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आप बोलते हैं, उच्चरित करते हैं, ध्वनित करते हैं, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका भाषा है। बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक रिदम के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते ना कि ये बातें हो गया, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या है, देखिए भाषा में कर्णेंद्रियों का प्रयोग आवश्यक, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना हमारी जो कर्णेंद्रियां, यानी कि हमारे जो सुनने की इंद्रियां हैं, है ना, हमारे कान जहां पर जो है क्या रहें, एक्टिव हों, यहां मतलब क्रिया में रहें, तो वो क्या है, ये आपको याद रख लेना है कि वहां पर भाषा होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जैसे देखेंगे कि कोई लाल झंडा दिखा रहा है तो वो खतरे का निशान है, तो अपने आप में भी एक सांकेतिक रूप से वो भाषा ही, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे कान तो कहीं पर सक्रिय है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भाषा नहीं है, वो केवल सांकेतिकता है,
ठीक है। हालांकि बोला जाता है कि सांकेतिक भाषा भी रहती है, लेकिन सांकेतिक भी वो मानी जाती है भाषा जिसको हम जो है केवल सुन भी सकते हैं। तो यहां पर आएगी, आपको देखना कि भाषा के संदर्भ में कभी कभार आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछें कि भैया कर्णेंद्रियों का प्रयोग भाषा में आवश्यक होता है या नहीं होता है, तो आप सिंपल से लिखें यस, कर्णेंद्रियों का प्रयोग जो है वो भाषा में आवश्यक है। क्योंकि जब तक देखिए भाषा, हमने ऊपर क्या पढ़ा, विचार विनिमय का माध्यम पढ़ा, कि मैं आपके साथ विचार विनिमय कर रहा हूं, मेरे विचारों को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं तो आप जो है बोलेंगे कि सर क्लास में आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया भाषा के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए सुनना भी आवश्यक है। सुनेंगे नहीं तो विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, इसीलिए बोला गया कि भाषा में जो है कर्णेंद्रियों का प्रयोग जरूरी हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट बातें देखना, इसको याद रखना है। जैसे मोबाइल फोन में भी तो आप क्या करते हैं, हेलो हेलो लगा के रखते हैं ना, जब तक सुनाई ना दे, दोनों हेलो हेलो ही बोलते रहेंगे जब तक अच्छे से सुनाई ना दे, यानी कि वहां पर भी कर्णेंद्रियां क्या है आप हरकत में हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपका कि भाषा में जो है ये चीज आएगी। अब दूसरी चीज आती है कि वक्ता के विचारों को श्रोता तक होती है हमारी भाषा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे जो है जो बोल उसके विचारों को श्रोता तक पहुंचाने में सक्षम होती है हमारी। सही बात है कि आपने कुछ भी बोला, भाषा के जरिए ही वो दूसरे व्यक्ति ने उसको सुना, फिर उसने अपने विचार अभिव्यक्त किए, उसी के द्वारा जो है वो चला। कुछ लोगों को जो है ऐसा लग रहा है कि उनकी क्लास नहीं हो पा रही है, अब मैंने रखा है रोक के, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना, नेहा बार बार कह रहे हैं, अब इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ये क्लास में तो दिख रहे हैं पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कि ऐप डिलीट करके फिर से डाउनलोड कर लीजिए, वैसे भी नहीं हो बता पाऊंगा, है ना। आप में से तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई थी पहले ऐसी, ठीक चला है, अभी आवाज ठीक आ रही है सबको, वॉइस ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना एक चीज अपने दिमाग में पहले ही रख लेना कि यहां पर जो है सारी की सारी परिभाषाएं मैं नहीं रख सकता, आपको जो है कुछ एक परिभाषाएं अपनी बुक से देखनी है, कुछ एक परिभाषाएं जो है आपको कहां से देखनी है, नेट से भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी बुक अगर और है तो वहां से देख, लेकिन अगर आप पांड्यन पांडे वाली बुक को देख लेंगे, हिंदी भाषा एवं इतिहास, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, और वहां से ही डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन या विषय है वो इतनी व्यापक नहीं है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बोली है हिंदी भाषा से रिलेटेड बहुत से ग्रंथों की रचना इसने है, ये आप लोगों के लिए काम है कि इसका हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान और ऐसे बहुत सारे इसके ग्रंथ रहे हैं, उन आपने लिपिबद्ध करना है, लिखना है उनको, ग्रंथ है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखना। होमवर्क जो है अगर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करें अच्छी बात है, फिर तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर चाहते हैं तो भोलानाथ तिवारी के ग्रंथों को लिख के आना है, वो सब लोगों को नोट डाउन नोटबुक में, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रंथ थे। इसका एक ग्रंथ रहा है, उसमें इसने बोला कि भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा को, ज्ञान का मतलब होता है देखना भाषा शास्त्र, ये आपका टॉपिक भी आएगा थोड़ा सा आगे छोटा सा, कि भाषा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे या तो भाषा शास्त्र कहते हैं या भाषा विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान के नाम से ही जानते हैं, और आपने एमए अगर किया है तो पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक रहती हैं, शब्द ज्ञान, स्वनिम ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान, ये सारी चीजें रहती है ना भाषा विज्ञान में। तिवारी ने भी क्या बोला कि हम भाषा के बारे में जो पढ़ते हैं ना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीजों को छोड़ दे, बातों को ही लेते हैं, इसलिए इसने बोला कि ये इतना व्यापक नहीं है और व्यक्त करते हैं और ना उसे लेते हैं और जिसके द्वारा हम सोचते हैं, तो इसने ये बोला कि जिस चीज के द्वारा हम सोचते हैं उसको हम उतना ज्यादा महत्व तो यहाँ पर नहीं देते भाषा विज्ञान में। तो ये बात यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की थोड़ी सी आप याद रखना। बाकी जो दूसरी परिभाषा इसकी है देखना, वो इसकी बुक में दी हुई है, ठीक है, कि प्रयत्न के द्वारा जब मनुष्य कोई भी जो ध्वनि को
है, यानी कि कुछ भी अपने मुख से बोलता है तो वही अपने आप में क्या है, वही अपने आप भाषा है। तो सिंपल सी बात है, तो ज्यादा मुश्किल वाली बात इसमें नहीं रखनी है आपको, या फिर इतना आपको की जरूरत नहीं है कि इससे आप याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ एक कीवर्ड्स रहेंगे हमेशा देख भाषाओं में, क्योंकि परिभाषाएं एज इट इज आपको वैसे ही याद नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी याद तो रखना पड़ेगा, तो बात कैसी बनेगी, है ना। तो इसलिए कुछ एक शब्द इसके याद रख लेते हैं। इसने दिखा शुरुआत में दिखा, देखिए भाषा विज्ञान, यानी कि आप सिंपल सा समझ जाएंगे कि भाषा विज्ञान पुस्तक के तो रचयिता भोलानाथ तिवारी ही है, ठीक है। तो ये बात आप इसको समझ सकते हैं कि बोला कि जो हम इसका विश्लेषण करते हैं वो व्यापक नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम सारी चीजों को नहीं पढ़ते भाषा के बारे में, हम जो मेन मेन बातें रहती है केवल हैं, अदरवाइज तो भाषा में बहुत सारी चीजें और भी, ठीक है। अब दूसरी चीज आते हैं, दूसरी जो परिभाषा है देखिए वो है कामता प्रसाद गुरु की। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप ये परिभाषा, कामता प्रसाद गुरु ये है आपके द्विवेदी युग के लेखक, और इन्होंने एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। आप सब लोग जानते हैं लगभग 1920 के आसपास इसने इसकी रचना की थी, देखना बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये भी। तो हिंदी व्याकरण नाम से इसने एक ग्रंथ लिखा, इसमें इसी के आधार पर जो है इसको हिंदी का पाणिनि भी बोला गया था, हिंदी का पाणिनि, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, देखना पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार रहे हैं, जो कि पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में, इसको पाणिनि बोला गया क्योंकि जिस तरीके से संस्कृत में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यानी कि व्याकरणिक ग्रंथ जो है वो पाणिनि ने लिखा, ठीक वैसे ही कामता प्रसाद गुरु ने भी लिखा था, इसलिए इसको हिंदी का पाणिनि कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को जो है वो आसानी से समझ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखना बहुत अच्छी परिभाषा और सर्वमान्य परिभाषा, हमेशा स्कूलों में और हर जगह पढ़ाई जाने वाली जो परिभाषा है भाषा की वो यही है कि जब हम भाषा ऐसा सरल साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं, वही तो भाषा है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये हिंदी थी कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का नाम क्या है, ये है हिंदी व्याकरण। इसके अलावा इसने अन्य जो ग्रंथ लिखे हैं उनको भी एक बार लिखना है आपको, तो ये आपके लिए काम है देखना, ठीक है। सारी चीजें मैं ही बता दूंगा तो तमन्ना किसकी करोगे, ठीक है। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी का नाम है ना। तो ऐसे खुद भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ये काम आप लोगों के लिए है, इसको करना है। उच्चारित ध्वनि संकेतों के माध्यम से भाव विचार की अभिव्यक्ति भाषा है, ये आपने पिछले कल क्लास में देखा था, इसको रखा गया था, इस परिभाषा को पेपर में पूछा गया था, देखना जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था उसमें जो है इस परिभाषा को पूछा गया था। अगर आपने बारीकी से उस पेपर को देखा होगा तो ये आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। ये थी कुछ परिभाषा, एक ही परिभाषा है लेकिन दूसरे में इसको थोड़ा सा विस्तृत किया गया है, विस्तार से बताया गया है। भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे लेकिन आप देखेंगे ये पश्चिम जो साहित्य शास्त्र है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। प्लेटो कौन थे, क्या थे, ये आप सब लोग बाद में पढ़ेंगे जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। जिस तरीके से कामता प्रसाद गुरु ने अपने ग्रंथ में लिखा, वैसे ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के जो ग्रंथ हैं वो आपको यूजीसी नेट में लास्ट टाइम वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, देखना बहुत सारे, तो क्या मतलब उसके ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ उसके रहे, तो वो आपको देखने हैं। आप चाहे नेट से सर्च कीजिए, उनके ग्रंथों को पढ़ना है, भाषा को देवेंद्र शर्मा ने भी लिखा है, ठीक है, काम आएंगी ये चीजें आपकी। फिर उसके बाद आता है, अब प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो ने एक रचना लिखी थी सोफिस्ट, इसको भी लेना, सोफिस्ट, ठीक है, ध्यान रखिए इसको, सोफिस्ट। अब इस सोफिस्ट में इसने भाषा को लेकर के ये परिभाषा दी है। इसके अलावा इसने एक रिपब्लिक ग्रंथ था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको गणतंत्र के नाम से जानते हैं, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, ठीक है। एक लिखी थी इसने इयोन, द लॉज, ये भी इसकी कुछ रचनाएं रही हैं, आप देखेंगे। लेकिन सोफिस्ट में इसने भाषा को लेकर के अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, हालांकि इसकी कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है। स्वतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी पूरा को लेकर के लिखा या भाषा को लेकर के लिखा, ऐसा नहीं है, है ना। तो इसने अपने जो मेन मेन चीजें हैं उन्हीं में बीच बीच में बातें कही हैं, तो ये बात याद रख लेना आपको। सोफिस्ट में इसने क्या बोला कि जब कोई विचार ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होता है तो उसे भाषा कहते हैं। ये सबसे पहले हमारे मन में विचार आया, फिर हमने उसी विचार को दूसरों के सामने बोला, ध्वनित किया ना, आवाज दी उसको,
तो वो क्या हो गया, आपका भाषा हो गया। बहुत सिंपल परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, लेकिन आगे इसने थोड़ा सा इसी परिभाषा को विस्तार दिया। ये बोल रहा है कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचारों को क्या बोला गया कि वो हमारी आत्मा के मूक या अध्वन्यात्मक है। मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत से हम क्या समझते हैं कि वो क्या है, गूंगा। मूक का मतलब गूंगा, अध्वन्यक मतलब ध्वनित नहीं है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं होती है विचार में, वो बस हम आता है ख्याल और हम अपने आप में तो अब वो बातचीत हो रही है, उसकी बाहर साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होंठों, मान लीजिए आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है, जब तक आप उसको कहेंगे नहीं, ध्वनित नहीं करेंगे, उच्चरित नहीं करेंगे, सामने वाला उसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है, कहलाएगा आपका वही आपका भाषा, ठीक है। कौन मानता है, प्लेटो। प्लेटो ने कहां पर माना, सोफिस्ट नामक रचना में माना है। ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा सकती है आपको कि यह परिभाषा है। तो परिभाषाएं जो है ऐसा नहीं है कि जितनी परिभाषाएं मैंने यहां पर रखी हैं आपको बस पढ़नी है और उन्हीं से ही आपका काम चल पड़ेगा। ये क्लास सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक माध्यम है, वो आपको खुद भी करनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि कहूंगा कि सारी चीजें नहीं रखी जा सकती यहां पर, हर एक क्लास की अपनी कुछ सीमाएं हैं। मैं आपको केवल रास्ता बता सकता हूं, देखना कि इस रास्ते पर चलिए, चलना आपका काम है, और जिसने नहीं चलना है तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो हैं क्लास से नदारद हैं, नहीं आए हैं अभी भी, है ना, या फिर रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, ठीक है। पर जितनी परिभाषाएं यहां पर हैं उनको तो देखना ही देखना है, इसके बाद आपका वो दुगना हो जाता है। आपको और परिभाषाएं देखनी है कि कहीं किसी और से पूछ लिया गया हो, करेंगे अपने अंदर की जो अनुसंधानात्मक जो आपकी प्रवृत्ति है उसको आप डेवलप करना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छे तरीके से ए टू जी चीजों को सबसे सही तरीके से जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है। आपको जो है अपने अंदर की जो रिसर्च की क्वालिटी है उसको खोजना पड़ेगा, कि हम खोजी प्रवृत्ति आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर, कि भाई 6-7 परिभाषाएं यहां पर रखी हैं, 3 परिभाषाएं हम भी लाके देखते हैं क्या जो है अच्छा हो सकता है ना, हो सकता है उन परिभाषाओं को पूछा जाए आपको। फिर हेनरी स्वीट आते हैं, हेनरी एक पाश्चात्य चिंतक रहे, देखना बड़ी अच्छी परिभाषा उन्होंने दी कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यानी कि सिंपल सी वही बात तो बोल रहे हैं सारे लोग कि जो भी आपके शब्द हैं जब वो ध्वनित होते हैं, है ना, उनके द्वारा हम अपने विचार अभिव्यक्ति देते हैं, ठीक है, वही आपका भाषा है। फिर बाबूराम सक्सेना ने भी लगभग देखना, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समस्त भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि चिन्हों की बात ही हो रही है, देखना ध्वनि के माध्यम से हम अपने विचारों को जब अभिव्यक्ति देते हैं वही आपका भाषा है। ध्यान देना इन चीजों को, प्रश्न में पूछा जा सकता है कौन सी परिभाषा किसकी है। अब आपका काम है अन्य परिभाषाओं को ढूंढने का, कहीं से भी किसी भी बुक से आप देख सकते हैं, भाषा विज्ञान की पुस्तक से देख सकते हैं, भाषा विज्ञान पर जो जो पुस्तकें हैं उनको आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको पीछे जितने भी नाम बताए हैं, चाहे वो देवेंद्र शर्मा की पुस्तकें हो, या फिर भोलानाथ तिवारी की हो, या फिर कामता प्रसाद गुरु की हो, या फिर अन्य की हो, उनको लिख लीजिए, उसी में ही आपको जो है इनके आंसर भी मिल जाएंगे कि कौन कौन सी परिभाषाएं जो है किस किस की रही है। फिर दूसरा आपका गूगल से भी आप इनको सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें रही हैं और कौन कौन सी परिभाषा। तो यहाँ पर परिभाषा आप सिंपल सा ले सकते हैं, देखना कि भाई अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम जब किसी भी ध्वनित शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आपका भाषा कहलाती है, और इसमें दोनों का होना, श्रोता और वक्ता का होना भाषा में आवश्यक। जब तक कर्णेन्द्रियां सक्रिय नहीं रहेंगी तब तक जो है हमारी भाषा नहीं बनेगी, वो केवल मात्र केवल संकेत रहेगा, केवल मात्र कभी भी एक साथ नहीं होता ये। तो चलिए ये हो गया आपका भाषा की परिभाषाएं। फिर आता है भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब देखिए यहां पर बात हो रही है कि भाषा उत्पन्न कैसे हुई, इसको लेकर के भी विद्वानों में मतभेद हैं, मतभेद भी स्वाभाविक हैं। हमारे मन में भी अगर हम देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, कभी ख्याल आए कि भाषा बनी कैसे, तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए है ना। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई भाषा तो आज से लगभग 3200 ईस्वी कह रहा है, 3200 ईस्वी पूर्व से पहले, ठीक है, उस वक्त जो है भाषा रही, ठीक है, और वहां से कैसे कैसे निकली कोई ज्यादा बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है कि पहले पहल कौन सी भाषा थी उसके बाद कौन सी रही, कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती। लेकिन फिर भी भाषा के उत्पन्न होने के पीछे कुछ जो
सिद्धांत जरूर दिए जाते हैं। अब इन थ्योरीज को अगर आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो इस पूरा का पूरा रिसर्च वर्क हो सकता है, लेकिन अभी आपका वो काम नहीं है और ना ही आपको जो है डिटेल से अभी जाना भी है। आपको जो है सिंपल सा क्या करना है कि कौन कौन किन लोगों ने वो चलाए हैं और उसमें क्या बातें थी, बस ये जानना है और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने की नहीं है। तो देखिए वैसे तो 5-6 इससे ज्यादा थोड़े से सिद्धांत रखे गए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से भाषा के सिद्धांत जो है वो रखे गए हैं। थी डिवाइन थ्योरी, दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत से जो या कहां पर मिलता है हमें उसमें डिवाइन थ्योरी मिलती है भाषा के रूप में, जो है वो एक दैवीय शक्ति रही है, भी है ना, देवताओं के माध्यम से जो है भाषा उत्पन्न हुई, ये पहला इसका सिद्धांत रहता है जिसको हम दिव्य उत्पत्ति या फिर डिवाइन थ्योरी कहते हैं कि मनुष्य की जो भाषा रही है वो ईश्वर की वजह से ही रही है। तो ये होगी दिव्यात्मकता है भाई, है ना, देव ना। फिर दूसरे नंबर आती है डिंग डोंग थ्योरी, इसको हम प्रश्न आई थिंक किसी पेपर में पूछा गया है या EMRS के पेपर में या किसी एक और पेपर में इसको पूछा गया है, देखना कि डिंग डोंग थ्योरी जो है किसने दी है या इससे किसका संबंध है। तो इसमें देखिए प्लेटो, हेस और तीन लोग रहे हैं जिन्होंने इस पद्धति को रखा या इस कि भाई भाषा कैसे उत्पन्न हुई, ये जो है रनन से उत्पन्न हुई है, गूंजना, ठीक है, कि भाई प्रकृति में कुछ नाद सौंदर्य है, नाद का मतलब है कुछ आवाजें हैं, उन्हीं आवाजों से धीरे धीरे मनुष्य ने भी क्या किया, अपनी आवाज किया और इस तरीके से जो है भाषा निकली। तो भाषा का सिद्धांत यानी थ्योरी रनन, रनन का मतलब है नाद, नाद का मतलब हुआ शोर, ठीक है, कुछ ध्वनियां रही हमारी प्रकृति में जिनसे जो है वो क्या है भाषा उत्पन्न। इसको आप याद रखेंगे कि ये सिद्धांत देने वाले जो रहे प्लेटो, हेस एवं मैक्स, आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपका जेस्चर थ्योरी, समझते हैं हमारे जो हाव भाव हैं, ठीक है, या फिर हम किसी चीज गति हो गया, ये इंगित है, देखना इंगति नहीं है, ये इंगित सिद्धांत है, इसको आप ठीक, ठीक है। तो डॉक्टर रे, कई जगह ऐसे आता है, कई जगह इसका नाम राय ऐसे आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखने हैं। तीनों नाम अगर होंगे तो इनमें से आपको एक ही मानना है कि ये एक ही है, ठीक है। तो जेस्चर थ्योरी यानी कि हाव भाव इंगित सिद्धांत, ये किसने दिया, डॉक्टर रेन दिया, ये भी आप यहां पर याद रखेंगे। तो इसने क्या माना कि भाई पहले पहल जो हमारा भाषा उत्पन्न हुई वो क्या हुई, हाव भावों से हुई, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे कोई मनुष्य है तो सबसे पहले हम उसके देखते हैं, उसी हाव भावों से ही हम क्या है बातचीत करना शुरू करते हैं, वैसे ही भाषा उत्पन्न हुई, ये रहा आपका जेस्चर थ्योरी, ठीक है। फिर आता है यो थ्योरी, यो ही हो थ्योरी यानी कि श्रम ध्वनि सिद्धांत। श्रम ध्वनि सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, देखना कि माना यह जाता है प्राचीन समय में जो मनुष्य हैं जो अपना काम इत्यादि करते थे उस वक्त वो विशेष प्रकार की कुछ आवाजें निकालते थे, यही आवाजें धीरे धीरे जो है उनकी अभिव्यक्ति के लिए भी या अपने विचारों को अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने प्रयोग में लाई और इसी तरीके से ही क्या बना आपका वो सिद्धांत बना, यानी कि श्रम ध्वनि का सिद्धांत बना। श्रम से ही आपको याद रखना है ना, काम की डाली जाने वाली जो ध्वनियां या जो आवाजें रही, और इसको किसने रखा, नवारे एडवर्ड वर्नेट टॉयलर, ये जो नाम है इन दो लोगों ने जो है इस सिद्धांत को जो है दिया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, श्रम ध्वनि सिद्धांत भी एक रहा, ये भी याद रख लेना है आपके लिए। जो ज्यादातर काम रहे इसके प्रवर्तक या इससे संबंधित जो विद्वान रहे हैं या जो ग्रंथ रहे हैं उन्हीं को ही देखना है, बाकी आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेस्चर थ्योरी किससे संबंधित है, तो आपको सिंपल याद रख लेना है वो भाषा उत्पत्ति से संबंधित, या फिर थ्योरी पूछा जा सकता है, या फिर आपको डिंग डोंग थ्योरी पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रख लेना है ये भाषा उत्पत्ति से संबंधित थ्योरियां रहे हैं, याद रखने हैं, बातें पूछी जा सकती हैं। फिर आता है आप यानी कि संकेत सिद्धांत, ठीक है, आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, अग्रीमेंट थ्योरी यानी कि संकेत सिद्धांत। तो शुरुआत में भाषा कैसे बनी, संकेतों से ही जो है भाषा उत्पन्न हुई है, धीरे धीरे
गए मनुष्य, और उन संकेतों से को हम धीरे धीरे उच्चारित करते गए और उस तरह से हमारी भाषा बनी। तो ये तो सिंपल सा था। उसके बाद आता है हेनरी स्वीट, इसने पुह पुह सिद्धांत या सिद्धांत दिया, यानी कि जो आपका हेनरी स्वीट है इसने देखिए भाषा की परिभाषा भी दी। इसने बोला कि भाई कुछ जो है आपका समन्वय रहा, हर एक चीज में जो है वो तालमेल बिठाने की बात इसने की, इसी को पुह पुह सिद्धांत या समन्वय सिद्धांत बोला गया है। लास्ट में कुछ है जैसे बो वाऊ सिद्धांत, बो वाऊ सिद्धांत इसको ऐसा माना जाता है, देखना कि जैसे शुरुआत में जो है जैसे कुत्ते की ध्वनि से जैसे मनुष्य पहचान लेता था कि आसपास कोई कुत्ता है, तो फिर वो उस तरीके का ही आवाज जो है वो निकालता, ठीक है। तो इसलिए इस सिद्धांत को बो वाऊ सिद्धांत नाम दे दिया गया और जोहान गॉटफ्रीड को रखा था, ठीक है। फिर प्रोटो वर्ल्ड सिद्धांत आता है, एक जो शुरुआती, तो इस तरीके के कुछ सिद्धांत हैं जो भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में रहे हैं, आपको थोड़ा सा देखना है। इनमें से रनन सिद्धांत इसको जरूर याद रखिएगा, जो डिंगडोरी है। इसके अलावा श्रम ध्वनि सिद्धांत एंड जो आपका इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना है आपको, और साथ ही साथ जो आपका जेस्ट इसको भी देखिएगा, इंकित सिद्धांत, ठीक है। ये प्रश्न में आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी यहां से आपको आज तक वैसे प्रश्न नहीं आया है, हिमाचल वाले पेपर में जो है एक आधा प्रश्न मैंने जरूर यहां से देखा है किसी क्वेश्चन में, तो अगर मुझे आपको साथ को साझा जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, इनको भी देखना है। इसमें है चौमस्की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमें पीएचडी एंड प्रश्न पूछा गया था कि भाषा के बारे में या भाषा सिद्धांत को लेकर कुछ चीजें कही हैं, जिनको लेकर के आप आगे पढ़ेंगे नोम चौमस्की। तो दो चीजें हमने यहां तक देख ली, देखिए सबसे पहले भाषा सामान्य सा परि, उसके बाद हमने जाना भाषा की परिभाषाएं, और तीसरी चीज हो गई यहां पर भाषा कि विद्वानों ने कैसे कैसे माना कि भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे जानेंगे किसके बारे में, भाषा तत्व है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा के तत्व। प्रीवियस ईयर पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो जिस तरीके से मानव शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही भाषा के भी पांच तत्व ही हैं। अब बात अगर ऐसी आती है कि भाषा के पांच तत्व हैं या चार तत्व हैं, तो इससे पहले आयोग ने इन पांच तत्वों को सही माना है, तो आपको ये पांच ही रखने हैं। लेकिन अगर पांच ऑप्शन में नहीं है, चार है, तो आप निश्चित, क्योंकि शब्द और पद जो है वो एक ही बात मानी जाती है, ठीक है। इसलिए आप भाषा के तत्व चार पढ़ेंगे, लेकिन अगर पांच भी हैं, ऑप्शन में चार भी हैं, तो पांच की तरफ जाएंगे, क्योंकि पुराने पेपर में जो है आयोग ने पांच को ही सही ठहर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब इनको एक एक करके सिलसिलेवार करके तत्वों में ध्वनि देखिए, भाषा को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ध्वनि। अभी तक हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी उनमें सबने हमने देखा कि ध्वन्यात्मक शब्द जब क्या होते हैं, चरित होकर प्रकट होते हैं, मतलब हमारे होंठों से, तो वही क्या बनाते हैं, भाषा बनाते हैं। यानी कि कोई भी आवाज है जब क्या करते हैं, उच्चरित करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी भाषा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ध्वनि जो है वो सबसे जरूरी है भाषा के लिए। तो आपने ये सब पहले पढ़ लिया, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, इतना ही तो जानना था कि भाई जरूरी है ध्वनि। ध्वनि क्या रही है, उच्चारण के आधार पर इकाई है। देखिए ध्वनि, ध्वनि से पहले आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आवाज ही आएगी, आपका सिर्फ विचार आएगा कि हमने, मुझे ये बोलना है, ठीक है। फिर आपने ध्वनि दे दी, मान लीजिए आपने कुछ आ बोला, तो आ का मतलब क्या है, ये है इसका। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। वर्ण से भी आपका क्या है, अक्षर, अक्षर जिसका हम क्षरण नहीं कर सकते, वो इससे भी छोटा रूप है, तो ये भी आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका क्षरण नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास क है, ठीक है, ये व्यंजन ध्वनि है, लेकिन इससे भी छोटा आपने ये ऐसे कर दिया, इससे आपने स्वर ध्वनि निकाल दी क, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हो गया, आपका अक्षर हो गया ये, और ये हो गया आपका वर्ण, ऐसे इसको आप समझेंगे। तो अक्षर से छोटा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें खुद लिखा गया है कि अब इसका क्षरण जो है वो नहीं हो सकता, उससे छोटी जो है वो ध्वनि ही हो सकती है। तो ध्वनि, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से वर्ण, ऐसे करके आप इसको याद रख लेना है। ध्वनि का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं, और वर्ण का मतलब है जिसको हम लिखते हैं, अक्षर का मतलब है जिसका हम क्षरण नहीं कर सकते, अब इससे ज्यादा हम जिसको नहीं तोड़ सकते, वो है आपका
अक्षर, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, चाहे आप इसको ध्वनि बोलिए, चाहे आप इसको अब अक्षर बोलिए, चाहे फिर आप इसको वर्ण बोलिए, बात एक ही है, देखना सबसे छोटी इकाई जो है यही रहेगी। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि से कहते हैं वर्ण, वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो है वर्ण या अक्षर, या फिर उसको हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन ध्वनि बोलकर होगी, और जब हम उस ध्वनि को लिख देंगे तो फिर वो वर्ण कहलाएगा। ये चीज आपको याद रख लेनी है। ये है उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अगर पूछें लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो फिर आपको वो याद रख लेना है, वो है आपका, ठीक है? ये दो चीजें हैं, देखना इसको यहीं पर ही लिख लीजिए। उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि, और लेखन के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई वर्ण, ठीक है? देना इसको साथ में ही। अब इसके बाद यहां पर आता है शब्द। ध्वनि आपस में मिलेंगी, क्या बनेगा? शब्द बनेगा। जैसे यहां पर भा, अभी इस बार एलटी टेट में, या फिर किसी एक पेपर में पूछा गया था कि पानी में कितनी ध्वनियां हैं, प आ न ई, ऐसे था ना, यानी कि चार ध्वनियां हैं, आ श आ, ठीक है? भाषा यहां पर भी रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ध्वनियां आपस में मिली हुई हैं, और ध्वनियों के मिलने से ही क्या बना आपका, इसको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। यस, शालू कह रहे हैं कि टेट में पूछा था, ठीक है? तो यहां पर क्या है, शब्द जो है क्या है, ध्वनियों के ये बनता है। अब अपने आप में तो वो शब्द है, लेकिन ध्वनि ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि भाई वो उठदांग ध्वनियां हो, तब तो कोई शब्द नहीं बनेगा। शब्द है कि सार्थक वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है, वो आपका शब्द कहलाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वर्णों का समूह, तो आपने ये भी कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आपको इसको व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ेगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, भाषा कहला, शब्द कहलाता है, ठीक है? तो ये बात आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है? अगर आप सिंपली लिखेंगे कि वर्णों का समूह वर्णमाला, नहीं, तो वहां पर वर्णमाला में क्या आता है, वर्णमाला में वर्णों का एक निश्चित क्रम में जब रखा जाना ही क्या कहलाता है, वही आपका वर्णमाला कहलाता है। तो उसमें हमने पहले से निर्धारित किया ना कि ऐसे ऐसे ही वर्ण रहेंगे हमारी वर्णमाला में, ठीक है? तो वो है वर्णमाला, निश्चित क्रम में जिस वर्णों को रखा जाए तो वो आपका क्या है, वर्णमाला है। और वर्णों का व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, वो आपका क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। आपको यहां पर ध्यान में रख लेनी है। तो दूसरी जो चीज है वो क्या है, वो है सबसे पहले था आपका ध्वनि, ध्वनि से बना आपका शब्द। शब्द जो है वो अपने आप में क्या है, सार्थक होता है। जैसे आपके सामने मान लीजिए कोई भी शब्द दे दिया गया, जैसे आपके सामने लघु, लघु शब्द सुनते ही आपको पता चल गया कि लघु का मतलब वो छोटा, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर आप क्या रखेंगे याद, सिंपल सा कि भाई आप शब्द है वो एक निश्चित अर्थ भी दे रहा है। तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ये आपको याद रख लेना, शब्द, ठीक है? अपने आप में सार्थक है लेकिन कंप्लीट नहीं है। जैसे आपने लघु बोला, ठीक है, तो आपको पता तो चल रहा है कि छोटा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात कह रहा है। अब यही चीज है, आपको वाक्य में अगर बोली गई, यहां पर पद, अब ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जब एक स्वतंत्र रूप में किसी शब्द को हम रखते हैं तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही हम उस स्वतंत्र शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो फिर है पद कहलाता है। जैसे हमने शब्द रखा था लघु, ठीक है, अभी ये क्या है, अभी ये केवल शब्द है, स्वतंत्र है ना लघु, तो ये शब्द है, लेकिन हमने लिखा यह लघु उपन्यास है। अब इसका मतलब क्या है, यह लघु उपन्यास है, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका पद, वाक्य में आ गया ना। तो स्वतंत्र जब शब्द तो वो शब्द है, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग हो जाएगा तो वो पद कहलाएगा। इसीलिए इसको बोला गया कि व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई जो है वो पद है, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि दोनों एक ही चीज है, शब्द और पद एक ही बात है, इसीलिए जो है कई बार ये चार माने गए हैं, जो मैंने पहले बोला था ना कि भाषा के तत्व तो चार ही है, ठीक है? लेकिन यहां पर इसको आप याद रखेंगे कि भैया अगर ये अलग अलग कर दिए गए तो ये पांच माने जाएंगे, अदरवाइज शब्द और पद जो है वो एक ही चीज है। शब्द जो है स्वतंत्र होता है, पद जो है वो वाक्य में प्रयोग होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। शब्द सार्थकता की दृष्टि से मान कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और पद को जो है आप व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई मानते हैं।
ठीक हो गया। फिर उसके बाद बनता है आपका, देखिए इन से, ठीक है, सबसे पहले ध्वनि, अक्षर से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद आपस में मिला तो आपका क्या बना, वाक्य बना, ठीक है। और वाक्य ही क्या है, जिससे हमें पूरे के पूरे अवबोध होता है। जैसे हमने लिखा यह लघु उपन्यास है, क्या मतलब हुआ कि भैया आपके सामने कोई उपन्यास रखा गया है और वो एक छोटा सा उपन्यास है, तो अपने आप में क्या हो गया, पूर्ण होगी ना इकाई, वाक्य मिल गया हमें पूरा का पूरा, और हमें पूरा, इसीलिए बोला गया पूर्ण सार्थक, पूर्णता भी है और सार्थकता भी है, और ये है आपका भाषा की सार्थक इकाई। और फिर जब हमने पूरा वाक्य सुना उसके बाद हमने एक निश्चित उसका अर्थ निकाला, ठीक है, कि शब्द थे उसके उसमें और शब्दों के द्वारा हमें कुछ चीजें प्रतीत हुई, और ये प्रतीत होना ही कहलाता है, यही अपने आप में अर्थ कहलाता है। तो ये थी सामान्य सी बात जो आपको यहां पर होने वाली प्रतीति को क्या कहते हैं, कुछ लोग इसको अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक जो है इसको अर्थ विज्ञान कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये जो है केवल अर्थ ही रहेगा, इसको भी आपने याद रखना है, इसको पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देना है, इसको देखना, याद रखिएगा। तो ये थे भाषा के तत्व, फिर से एक बार मेनली आपके चार तत्व रहे, लेकिन आयोग ने पहले पांच माने थे और चार आप ज्यादा देखेंगे इसको, है ना। ये थे आपके भाषा के तत्व जिनको आप ओके है, आवाज ठीक आ रही है सबको, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या इत्यादि, ऑल ओके है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है, शाबाश, ठीक है, ओके। जिस जिसको थोड़ा बहुत कट रही है तो वो रीज्वाइन करके देख लीजिए, नीलम तो कह रहे हैं कि ठीक आ रही है ना, अपना नेटवर्क भी आप साथ साथ में पुख्ता कर भी बात बनेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसके बाद भाषा के चरण कौन कौन से हैं, किन किन चरणों से होकर जो है वो भाषा रहती है, तो ये भी जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए पहले पहल भाषा किन किन चरणों से या किन किन सोपानों से होकर के गुजरती है, इसको देखना है। सबसे पहले लिखा है आंगिक, शारीरिक या कायिक, इसको आपने ऐसे लेना है जैसे अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी आंखों के जरिए या अपने हाथों से मतलब क्या करते हैं, बातचीत कर से विचार अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है, ये आपको याद रखें, आंगिक या शारीरिक या कायिक माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप से मिल रहे हैं तो हम हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, तो मुस्कुराने में मतलब हमारा जो सा खुला हमने हाव भाव दिए क्या है, हम उनके द्वारा जो है सामने वाले व्यक्ति से वार्तालाप किया, तो पहली चीज क्या है, आंगिक, पहला चरण। दूसरा है वाचिक, जैसे ही आप उससे थोड़ा सा क्या हुए, आपने एकदम से हाय आप कहां से हैं, क्या करते हैं, कौन सी क्लास है ना, या फिर क्या कर रहे हैं आजकल, ये सारी बातें होंगी, तो वहां कौन है, वाचिक या मौखिक, मुख मुख खोला ना आपने बोलने के लिए, उसके साथ वार्तालाप किया सामने वाले व्यक्ति से, तो दूसरा चरण हो गया वाचिक या, तीसरा फिर आपने उसको लिखा, लिख लिया आप लिख मतलब कुछ भी चीज आपने उसको लिख के दे दी है ना, तो लिख कर अपने भावों को अभिव्यक्त कर दिया आपने, एंड चौथी चीज जो है यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब है जैसे आपके उपकरण है, जो आपके उपकरण है जैसे मोबाइल फोन है, उससे आप जो है अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आज की डेट में आप अपने इमोजीज वगैरह, ठीक है, बहुत सारे यूज में आते हैं, कोई रोने वाला भेज रहा है, कोई गुस्से वाला भेज रहा है, कोई जो है बाबू सोना के लिए भेज रहा है, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये है आपके, इसके जरिए भी तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है आपका यांत्रिक। तो अलग अलग चरण हमारी भाषा गुजर रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, तो भाषा के चार चरण, और ये चारों का एक निश्चित क्रम है, देखना इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अलग से नहीं रखेंगे इसको, आप इसी क्रम में ही याद रख लेना है। सबसे पहले आंगिक रूप से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर लिखकर अपने भावों का अभिव्यक्ति देते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने यंत्र के जरिए जो है हम वार्तालाप करते हैं या फिर विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है, या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये हो गया आपका यांत्रिक, ठीक है। तो ये है भाषा के चार चरण और ये क्रमशः ऐसे ही रहेंगे, ओके, इनको देखना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है देखना, इसलिए आप एक बार इसको याद रखें, ठीक है। तो पहली चीज देखिए यहां पर यादृच्छिकता। यादृच्छिकता से हम क्या समझते हैं कि भाषा प्रमुख विशेषता जो मानी जाती है यह है यादृच्छिकता। यादृच्छिकता से सिंपल सा मतलब को कि स्वीकार करना, मान बैठना किसी चीज को। जैसे हम अपने आए ना इस धरा पे, हमने पाया कि हमें पहले से चीज मिली बनी, हमें बचपन से बिताया गया कि हमारे सामने अगर रोटी को रोटी बोला गया है तो वो रोटी ही है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में उसको ब्रेड बोला गया तो वो ब्रेड ही है, स्वीकार कर लिया हमने उस चीज को। पानी को हमने पानी पहले से सुना, हमने स्वीकार कर लिया पानी ही है, इसको पानी ही बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको वाटर बोलेंगे तो वाटर ही बोलेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये है यादृच्छिकता, कि किसी चीज को मान लेना। और ये के साथ होता है ऐसा, हर एक व्यक्ति जो है वो ऐसे ही चलता है। तो पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है यादृच्छिकता, इसको पेपर में पूछा जाता है देखना, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कि भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है, है ना, इसको आप याद रखेंगे। भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति विशेष की जो है वो भाषा नहीं हो सकती, ये आप सब लोग जानते हैं। चाहे वो उच्च कुल का हो चाहे बड़े कुल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा की आवश्यकता जो है हर एक व्यक्ति को पड़ती ही है। बड़े से बड़ा या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी जो है भाषा के बिना नहीं रह सकता। तो समस्त समाज की भाषा एक तरह की है और ये सामाजिक संपत्ति है, और ये परिवर्तनशील भी होती है, ये भी आप सब लोग जानना, क्योंकि कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, ऐसी बात मिलती है। कब हुआ ऐसा आप अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। आप भाई इस दिन भाषा बदली, ये निरंतरता के साथ बदलती रहती है देखना, इसीलिए इसको अंतिम रूप भी नहीं मिलता है। जैसे इसका रूप बदलने लगे नया ही रूप बन जाता है, तो अंतिम रूप भाषा का कभी भी नहीं मिलता, इसीलिए इसको बोला जाता है सतत प्रवाहमान, ये हमेशा बहती रहती है, ये ध्यान में रखना है आपको, सतत प्रवाहमान। तो भाषा कैसी है, सतत है, प्रवाहमान है, याद रखना है इसको देखना। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि क्या ये भाषा की विशेषता है, तो ऑब्वियस सी बात है परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तन कब हुआ कोई निश्चित समय नहीं बता सकता, ये बिल्कुल धीरे धीरे का प्रोसेस है। अनुकरण से सीखी जाती है भाषा, ये आप सब लोग जानते हैं, हमने अपने माँ बाप से, माँ बाप ने जो है अपने माँ बाप से सीखी भाषा बोलना, ठीक है, और ये हमेशा आगे आगे को प्रोसेस चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन एक कंप्लीट उसमें चेंज आपको एकदम से नहीं दिखेगा, हमें सरलता की ओर जाती है, ये भी आपको याद रख लेना है, जटिलता से सरलता की ओर, उन बातें देखना। और इस हैं सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में अगर हम देखेंगे वैदिक संस्कृति, जैसे जैसे वैदिक संस्कृति जटिल होती गई हम सरलता की ओर चले गए, लौकिक संस्कृत की तरफ। लौकिक संस्कृत जो है आम जनमानस से दूर हुई, हम चले गए पाली की तरफ, पाली से प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी से खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी से अब हम पहुंच चुके हैं इंग्लिश की तरफ, जो हमें अच्छी लगने लगी, अंग्रेजी के शब्दों को इस्तेमाल करना हम आसान समझते हैं, ठीक है। तो ये भी देख रहे हैं आपकी भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर, भाषा एक परंपरा है जिसे हम स्वीकार करते हैं, निर्माण नहीं कर सकते, देखना, ठीक है। तो ये भी आपको यहां पर याद रख लेना है कि भाषा केवल परंपरा है, परंपरा को हम केवल मानते हैं, स्वीकार करते हैं, बनाते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात है, पूछी जा सकती है, इसको भी ध्यान में रखना है। निश्चित भौगोलिक सीमा, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि जो भाषा रहती है वो किसी क्षेत्र विशेष में रहती है, देखना, सीमा में बंधी रहती है। आपने देखा ब्रज भाषा, उसका एक निश्चित क्षेत्र है, खड़ी बोली हिंदी निश्चित क्षेत्र है, हिंदी जो है 10 हमारे राज्य हैं भारतवर्ष में 10 के आसपास, ठीक है, उन्हीं में ही आपकी हिंदी जो है वो रहेगी, ठीक है, बाकी नहीं। इसलिए इसको याद रखेंगे आप कि निश्चित भौगोलिक सीमा है। पृथक संरचना, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। इससे हम क्या समझते हैं, हमारी जो भाषा है, हमारी नहीं बल्कि जितने भी भाषाएं रही हैं देखना, उनकी संरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट, रूप निर्माण अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे राम इज माय फ्रेंड, राम है मेरा दोस्त, हिंदी में तो ऐसा नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे राम मेरा दोस्त है, तो यहां पर राम के बाद इज लग गया, ठीक है। दूसरी जो है हिंदी में आप देखेंगे कि इसमें क्या लग जाएगा, आपका अलग से आ जाएगा, है ना, तो लिखने का तरीका एक अलग है। कुछ भाषाएं आपकी दाएं से बाएं, कुछ बाएं से दाएं की ओर लिखी जाएंगी, कुछ आपकी संयोगात्मक है, कुछ आपकी वियोगात्मक भाषाएं हैं। तो यही है आपकी पृथक संरचना, यानी कि भाषाओं की जो बनावट है वो हर एक भाषा की अपनी अलग अलग होती है।
ठीक है, निरर्थक और सार्थक इकाइयों से मिलकर ही भाषा बनती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखना इसको भी आप याद रखेंगे। निरर्थक और सार्थक इकाइयों का मेल से हम क्या समझते हैं, देखिए जैसे आपके वर्ण है वो अपने आप में कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वर्ण से आपका शब्द बना, शब्द से आपका पद बना, पद से आपका वाक्य बना, वाक्य से अर्थ बना, तो यही है ना सार्थक और निरर्थक इकाइयां, इन्हीं से, इन्हीं के योग से ही क्या बना है, आपका भाषा बनी है। देखते हैं कि एक वाक्य में जो है, जब हम एक वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं उसमें हमारे है सार्थक रहते हैं, कुछ निरर्थक रहते हैं, ठीक है, मतलब विकारी हैं, कुछ अविकारी हैं, तो उससे मिलकर ही हमारी क्या बनी, भाषा बनी। महत्वपूर्ण बात लास्ट में लिखा है, करने की भी क्षमता रहती है, जिस जो हमारे तीनों कालों में, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान काल हो, इनको दिखाने की भी जो क्षमता है वो भाषा में रहती है। इसीलिए भाषा को बोला गया कि ये अंतरणशील होती है, और सृजनात्मकता भी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता, नव निर्माण करते हैं, नई नई चीजें जो है वो लिखते हैं, और भाव संप्रेषण का माध्यम भी किसको बोला गया है, भाषा को ही बोला जाता है, ये तो हमने पहले से ही पढ़ा। तो ये थी भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं जिनको रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक है, देखना यहां से जरूर प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना, और इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं ऐसी हैं जो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। यादृच्छिकता हो गया, सामाजिक संपत्ति हो गया, परिवर्तनशील हो गया, कठिनता से सरलता की ओर, कोई अंतिम रूप नहीं यानी कि सतत प्रवाहमान है, और पृथक संरचना है ना, वैसे तो सारी ही मोस्ट हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इनको याद रख लेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत आसानी से जो है हो जाएगा, ठीक है, एक बार आपने इसको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं भाषा के अलग अलग रूप, यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी, आगे भी आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले आता है वैसे व्यक्ति बोली, जो बोली रहती है उसको व्यक्ति बोली के नाम से जाना जाता है, देखना तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद रहेगी बोली, बोली यानी कि जिसको, जिसकी अपनी कोई लिपि तो नहीं है लेकिन जनता के द्वारा जो है उसको स्वीकार किया गया है, वो बोली है, ठीक है। बोली से थोड़ा सा ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी कि बोली, जब बोली का क्षेत्र जब बढ़ जाता है तो वो क्या बन जाती है, आपकी उपभाषा बन जाती है। उपभाषा के बाद बनेगी आपकी परिनिष्ठित भाषा, इंपॉर्टेंट है देखना, इसको आप याद रखेंगे, परिनिष्ठित, इसी को ही मानक भाषा कहते हैं, इसी को ही परिमार्जित भी कहते हैं, इसी को ही टकसाली भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था, आई थिंक एलटीटेट में ही पूछा गया था इसको, मानक भाषा, परिमार्जित भाषा, टकसाली भाषा, शुद्ध भाषा, ये इसी के ही नाम है, देखना ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यानी कि जो व्याकरणिक दृष्टि से या व्याकरणिक नियमों से जो बंधी हुई भाषा रहती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, ध्यान देना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, साहित्य जो है अधिकतर इसी लिखा जाता है। अमानक भाषा, अपभाषा, अगला जो रूप है देखना भाषा का, हम क्या मानते हैं, इसको हम अपभ्रंश भी कहते हैं, अपभाषा भी कहते हैं, अशुद्ध भाषा भी कहते हैं, यानी कि जो अच्छी भाषा नहीं हो, इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी आगे जानते ही हैं राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इसको बताने की आवश्यकता ही क्या है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्र के लोगों के द्वारा अधिकतर भाग में जो बोली जाने वाली भाषा वो राष्ट्रभाषा है। राजभाषा यानी कि जो हमारी सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज की जो भाषा रहती है वो हमारी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा के तौर पर जो मान्यताएं हैं या जिसको हम ये मानते हैं कि आधिकारिक तौर पर जो कितनी भाषाएं हैं देखना, वो आपकी 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये बात मैं पढ़ेंगे हम इनके बारे में विस्तार से, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल सा इतना याद रख लेना है। विशिष्ट भाषा यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में जो हमें लाई जाने वाली भाषा है, व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र में, यानी कि व्यावसायिक भी आप इसको बोल सकते हैं, लैंग्वेज, विशिष्ट भाषा। कूट भाषा जो कि आपके कोड वर्ड में जो हम देखना वो कूट भाषा है। कृत्रिम भाषा यानी कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और व्यक्ति बोली जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मेनली आपको ये भाषाएं जो है इनमें से परिनिष्ठित और अमानक भाषा, इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा को अच्छे से याद रख लेना है। आगे हम राजभाषा का एक पूरा का पूरा क्लास देखेंगे, जहां पर आप राजभाषा आयोग, राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम
के बारे में भी आप पढ़ेंगे, राजभाषा संकल्प आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से भी आपको प्रश्न पूछते हैं, तो वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हिंदी वाले पोर्शन में जब हम जाएंगे। तो ये थे भाषा के विविध रूप और भाषा की मुख्य विशेषताएं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना इनसे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं या इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए थोड़ा पढ़ के जाना है। फिर आते हैं अन्य तथ्य कौन कौन से हैं भाषा के संदर्भ में। सबसे पहले लिखा है देखिए, भाषा विज्ञान में भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एलटी कमीशन के पुराने पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना है, लास्ट क्लास में ही हमने इसको देखा था, क्वेश्चन में आया हुआ है। नोम चौमस्की, जिसकी बात मैंने पीछे उत्पत्ति के सिद्धांत में देख रहे थे, यहां पर इन्होंने क्या लिखा है देखिए, मनुष्य का एक जन्मजात ज्ञान होता है। तो ये आपको ऐसे पूछा जाता है देखना, ठीक है, कि भाई भाषा का एक जन्मजात ज्ञान होता है मनुष्य के पास, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा नोम चौमस्की, और इसने बोला कि पर्यावरण नहीं सीखी जाती भाषा, ठीक है, तो इसने बोला कि मनुष्य के अंदर अपने आप एक क्या है, जन्मजात ज्ञान है, ठीक है, ध्यान रख लेना। भाषा दोनों है, भाषा विज्ञान नाम से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक ग्रंथ की रचना की है। फिर आता है भाषा विज्ञान या भाषाशास्त्र, यानी कि भाषा के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान कहते हैं, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। हालांकि भाषा विज्ञान का टॉपिक बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन आपको अभी मेरे हिसाब से इतना ज्यादा यहां से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जितनी चीजें हैं जो जो आपके काम की है वो यहां पर रखी हुई है। देखिए, आर्थिक विषय के रूप में भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र का सूत्रपात कहां पर हुआ, यूरोप में हुआ, पहला प्रश्न ये। दूसरा, कब हुआ, 1786 में, किसने किया, सर विलियम जोन्स ने। तीन प्रश्न यहां से आपको बन गए कि भाई आज के समय में जो है विषय के रूप में भाषा विज्ञान को सबसे पहले किसने रखा, याद रखना विलियम जोन्स ने 1786 में यूरोप में, ठीक है। फिर आता है भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियां, कि भैया जो भाषा का विज्ञान है यानी कि भाषा शास्त्र जो है उसको अगर हम अध्ययन करें तो कौन कौन सी पद्धतियां हैं, किन किन तरीकों से, यहां पर है वर्णना, तुलनात्मकता के आधार पर भी और संरचनात्मकता के आधार पर भी जो है भाषा विज्ञान का आता है, इसको आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी कौन सी होगी, पद्धतियां कौन कौन सी रही हैं, तो इनको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और संरचनात्मक, ठीक है, ध्यान देना इनके बारे में। इनके बारे में विस्तार से भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल आपको डिटेल में जाने की जरूरत इसमें नहीं है। फिर आते हैं भाषा विज्ञान के कितने पक्ष हैं, तो इसमें दो पक्ष आते हैं, एक है तात्विक पक्ष, दूसरा है आपका व्यावहारिक पक्ष। तात्विक पक्ष में हम किस किस चीज को पढ़ते हैं, ध्वनि विज्ञान को पढ़ते हैं, व्याकरण के बारे में देखते हैं, शब्दार्थ के बारे में जानते हैं, तो ये है आपका भाषा विज्ञान का पहला पक्ष जिसको हम तात्विक पक्ष कहते हैं, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये हमने क्या पढ़े, तत्व पढ़े थे ना भाषा के, तो यही तो बात हो रही है यहां पर, देखना ध्वनि, व्याकरण, शब्द, अर्थ, पद, जो भी है आपके शब्द और अर्थ चार हो गए ना, वैसे ये शब्द की बात भी हो रही है, अर्थ की भी हो रही है, व्याकरण की हो रही है, ध्वनि की हो रही है ना, तो सारी चीजें उसी में ही आ गई। अब दूसरा है आपका देखना व्यावहारिक पक्ष, तो जब हम भाषा विज्ञान को देखते हैं तो उसका सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन व्यावहारिकता में हम कितना लाते हैं, तो अनुवाद, भाषा जो है बोली जाएगी, सीखी जाएगी, और वाक् चिकित्सा यानी कि उच्चारित, ध्वनित या उससे संबंधित कुछ सिद्धांत इत्यादि रहे हैं, इन सब चीजों को भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ये हैं आपके जो महत्वपूर्ण चीजें थी भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र के संदर्भ में, अब मोटे मोटे तौर पर आप इनको भी एक बार जरूर देखिएगा, और अगर डिटेल से पढ़ना है नात्मक हो या ऐतिहासिक हो, तुलनात्मक पद्धतियां रही हो या फिर इसके जो पक्ष रहे हों, बाकी डिटेल अभी फिलहाल नहीं रहा है, बाकी होता है तो फिर हम देखेंगे, अदरवाइज आपको यहां से जो है बहुत सारी चीज, पीजीटी कमीशन में चले जाइए, यूजीसी नेट में चले जाइए, इससे ज्यादा आप मतलब नहीं है कोई ज्यादा जरूरत यहां से देखने की, है ना, जिसे मैंने आपको बताई है वो सफिशियंट है, बट जो काम मैंने आपको दिया है, भोलानाथ तिवारी की पुस्तक, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तकें देखनी है, देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तकें आपको जरूर, क्योंकि ये तीन नाम जो है मोस्ट हैं, ठीक है, इसको लिख के लाना है साथ में, और साथ साथ में आपको पढ़ते भी जाना है, पढ़ रहे हैं परसों यानी कि शनिवार को हम, मैंने पहले जो है आपको खुद भी बोलना है, खुद भी जो है पढ़ के आना है, हमारा भाषा वाला पोर्शन यहाँ पर, कल देखेंगे हम वैश्विक भाषाएं, इस वाले
टॉपिक को। तो अगर किसी को आप में से कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी का कुछ सुझाव है, किसी ने कुछ और बात तो भी जो है आप बता सकते हैं। ऑल ओके है यहां तक? सुनने में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है, चलो अच्छा है। फिर अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में ठीक शाम 9 बजे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बाख़ैर।